स्टूडेंट्स, वी हैव रीड अबाउट सिक्स क्लास ज्योग्राफी चैप्टर फिफ्थ मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. इन दिस चैप्टर वी हैव रीड अबाउट कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, एटमोसफियर एंड देयर लेयर्स एंड हाउ मैनी वाटर ऑन द अर्थ. देर आर 29% अर्थ पार्ट एंड 71 पार्ट वाटर ऑन द अर्थ एंड द अदर गैसेज लाइक नाइट्रोजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आर इन 1%. सो स्टूडेंट्स, टुडे नाउ टुडे वी विल रीड अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर. Question number first. Answer the following questions briefly. Question number A is, what are the four major domains of the earth? Major domains of the earth are lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. In lithosphere mein to हमारे जो सॉलिड पार्ट है अर्थ का वो है, हाइड्रोस्फीयर में वाटर वाला पार्ट है, एटमॉस्फेयर में एयर वाला पार्ट है और बायोस्फीयर में जो वाटर और सॉलिड पार्ट एंड एयर पार्ट तीनों मिला के जिन जहाँ हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वाला पार्ट बायोस्फीयर में आता है. सेकेंड क्वेश्चन इज, नेम द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ. अर्थ पर जो बड़े महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, उनके नेम पूछे. यहाँ द सेवन मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया एंड नंबर सेवन एंटार्क्टिका. क्वेश्चन नंबर सी इज, नेम द two continents that lie entirely in the southern hemisphere. उन continents के नाम पूछे हैं यहाँ पर जो पूरी तरह से southern hemisphere में आते हैं, यानी कि पृथ्वी के south वाले गोले में आते हैं. ये equator है और इसके ये northern hemisphere है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है. तो कौन से कॉन्टिनेंट इस साउदर्न हेमिस्फीयर में है उनके नाम पूछे हैं यहाँ. तो स्टूडेंट, दीज आर द टू कॉन्टिनेंट्स दैट लाई एंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. ये पूरी तरह से साउदर्न हेमिस्फीयर में है. यहाँ ऑस्ट्रेलिया ऐसे आता है और अंटार्कटिका पूरी तरह से यहाँ पर आता है. क्वेश्चन नंबर डी इज, नेम द डिफरेंट लेयर ऑफ एटमोसफियर. एटमोसफियर की जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनके नेम पूछे हैं यहाँ पर. द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमोसफियर आर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. नाउ क्वेश्चन इज, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट. अर्थ को ब्लू प्लेनेट क्यों कहा जाता है? द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट बिकॉज मोर देन 71% ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. क्योंकि अर्थ पर जो 71% भाग है वो वाटर है, इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट कहा जाता है. व्हाई इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर. जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये नॉर्थ वाला पार्ट गोलार्ध है इसका, पृथ्वी का, इसको लैंड हेमिस्फीयर क्यों कहा जाता है? इसको द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर बिकॉज द ग्रेटर पार्ट ऑफ अर्थ लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. कि ज्यादा जो पार्ट है अर्थ का, अर्थ की जो लैंड है, जमीन का जो पार्ट है, वो ज्यादातर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही पाया जाता है, इसलिए इसको लैंड हेमिस्फीयर भी कहते हैं. क्योंकि इसके ये एशिया, इधर अफ्रीका, यूरोप एंड ये अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ये जो पार्ट, जो पूरा
ज़्यादातर लैंड जो एरिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए इसको लैंड हेमिस्फीयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर जी इज व्हाई इज द बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो बायोस्फीयर है, जो हमने फोर कंपोनेंट पढ़े थे उनमें से ये लास्ट कंपोनेंट है बायोस्फीयर, ये इंपॉर्टेंट क्यों है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन लैंड वाटर एंड एयर। ये एक नैरो जोन है जो लैंड वाटर और एयर के बीच में होता है। इट इज इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू अर्थ एग्जिस्ट। इसमें जो अर्थ पर जीवन है वो विद्यमान है। यहाँ पे ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक टू ईच अदर, और सारे जो जीवित प्राणी है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लिंक हैं एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल, और ये बायोस्फीयर में जीवित रहते हैं। सो स्टूडेंट्स नाउ राइट द आंसर दीज क्वेश्चंस एंड लर्न द क्वेश्चंस।